आज का टॉपिक है हेमाटोलॉजिकल डिजीज़। ये थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक है। इसमें डिफरेंट टाइप के एनीमियाज आपके सिलेबस में वैसे तो ये नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं पहले से बता देता हूँ कि ये डिफरेंट टाइप के कौन कौन सी हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ जो होती है। सबसे पहले उनमें एनीमियाज होते हैं, डिफरेंट टाइप के एनीमियाज, वो आपके सिलेबस में है। उसमें हम डिफरेंट टाइप के एनीमियाज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। नेक्स्ट स्टेज में हीमोग्लोबिनोपैथीज है। हीमोग्लोबिनोपैथीज जो है, नाम से पता लग रहा है आपको, हीमोग्लोबिन और उससे रिलेटेड जो सिंथेसिस होती है बॉडी में, उनसे रिलेटेड कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटी है। कॉन्जेनिटल मतलब जो जन्मजात होती है वो। फिर थर्ड नंबर पर आपको साइटोपीनिया है। साइटोपीनिया मतलब डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड सेल्स। किसी भी ब्लड सेल में अगर ये होता है तो उसको हम बोलते हैं साइटोपीनिया। लाइक थ्रोम्बोसाइट्स में होगा तो हम उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, इरेथ्रोसाइट में होगा तो बोलेंगे इरेथ्रोसाइटोपीनिया, लाइक दैट। उसके बाद आएगा माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज। इसमें इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड सेल्स हो जाता है, टोटल ब्लड सेल हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाती है, साइटोपिनिया का उल्टा है ये। फिर नेक्स्ट है इसमें कोगुलोपैथीज हैं। इसमें कोगुलेशन से रिलेटेड उसके डिसऑर्डर और ब्लीडिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हीमोफीलिया है, इसी के अंदर आता है। हीमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है, उसमें कैंसर होते हैं जो ब्लड को इफेक्ट करते हैं, बोन मैरो को, लिम्फेटिक नोड्स को, लिम्फेटिक सिस्टम को करते हैं, उनको हम बोलते हैं हीमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज। नेक्स्ट है इसमें हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस में हेरिडिटरी डिजीज है जो फेरस को ओवरलोड हो जाता है, यानी आयरन का ओवरलोड हो जाता है। इसमें सबसे पहले जो आपका सिलेबस में वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है, ये आपको पता है कि आयरन एक एसेंशियल एलिमेंट है, उसके बिना हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। हीमोग्लोबिन आपकी आरबीसी का मेन पार्ट है जो कोक्सिन को कैरी करके लेके जाता है। दैट इज अ प्रोटीन मिक्सड विद फेरस ग्रुप और आयरन ग्रुप। तो होता क्या है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बॉडी में आरबीसी जो होती है इतनी नहीं बनती है जितनी बननी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी घट जाती है और बॉडी टिश्यूज में ठीक से ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं पहुंच पाता है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत सिंपल है कि ये ओवर टाइम डेवलप होता है, एकदम से डेवलप नहीं होगा। ओवर टाइम जब बॉडी में एनफ आयरन नहीं होगा आरबीसीज को बनाने के लिए, तो होता क्या है कि जब आरबीसीज नहीं बनती आयरन की वजह से, तो बॉडी जो होती है वो जब सारा आयरन यूज कर लेती है लीवर में, बोन में, बोन मैरोज में और अदर ऑर्गन्स में जो स्टोर्ड होता है सारा यूज कर लेती है, तो बॉडी जो है ब्लड आरबीसीज कम बनाने लग जाती है। लेकिन इरेथ्रोपोएटिन तो हमेशा से होता है। इरेथ्रोपोएटिन क्या है, अब आपके अगर याद हो मैंने आपको किडनीज में बताया था कि इरेथ्रोपोएटिन किडनीज के अंदर बनता है, एक तरीके का हार्मोन है जो एक इफेक्ट पैदा करता है जो आरबीसीज बनाने में मदद करता है। एक्चुअली उसके बिना आरबीसीज नहीं बन सकती। तो ये क्या करता है कि कैस्केडिंग इफेक्ट चालू करता है जिससे एक आरबीसी बनना शुरू हो जाती है, लेकिन विदाउट आयरन ही आरबीसीज नहीं बना सकता। तो इरेथ्रोपोएटिन तो बनता जा रहा है लेकिन आयरन नहीं है, तो उसकी कमी से क्या होगा कि आरबीसीज बननी बंद हो जाती है। आरबीसीज जो होती हैं वो नहीं बनेंगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली घट जाएगी। तो ये एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं एनीमिया में डायग्राम कैसा है, आरबीसी बहुत कम है लेकिन नॉर्मल ब्लड में आरबीसी ज्यादा है, तो ऐसा ही होता है। एक चीज हमें ध्यान रखना है, जब भी हम यहाँ पे ब्लड वर्क देख रहे हैं कहीं भी, तो हम एक चीज देखेंगे कि इनमें कुछ सेल्स दिख रही है जिनमें आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा। ये न्यूक्लियस जो है डब्ल्यूबीसीज हैं और जो विदाउट न्यूक्लियस है ही आरबीसीज होती है। इटियोलॉजी है इसकी, क्या कारण है, किस वजह से हो सकता है, ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है, पुअर डाइट की वजह से हो सकता है, या फिर एब्जॉर्ब ना कर पाने की वजह से हो सकता है आयरन फूड से। इसका कारण कई हो सकता है, जेनेटिक कारण हो सकते हैं, या फिर किसी की इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ हुआ हो, कोलेक्टोमी जिसको बोलते हैं, अगर उसकी कोलन कटी हुई हो, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कटी हुई हो, तो एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता आयरन का, उस वजह से ये हो सकता है। इसमें क्या साइन और सिम्टम है, ब्रिटल नेल्स हैं, यानी कि नेल्स इजिली टूट जाते हैं उनके, क्रैक्स ऑन द साइड ऑफ लिप्स, जो आपने देखा होगा होट कटे हुए साइड से फटे हुए रहते हैं लोगों के, फटीग रहता है, थकान रहती है उनको, चेस्ट पेन रह सकता है, स्किन में पीलापन होता है, डिजीनेस यानी कि लेड हेडेडनेस हो सकती है, उनको चक्कर आना, ये सब जैसे बैठ के खड़े होते तो चक्कर आते हैं, हेडेक हो सकता है, फास्ट हार्ट रेट तेज हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो कोशिश कर रहा है कि ठीक से चले ब्लड
और ऑक्सीजन ज़्यादा ज़्यादा पहुँचे, लेकिन वहाँ पे क्योंकि आरबीसीज की ही कमी है तो हार्ट रेट फास्ट हो जाता है। अब इसमें एडवांस स्टेज होती है, एडवांस स्टेजेस में स्प्लीन जो है वह लार्ज हो जाता है, हाथ पैर ठंडे रहने लग जाते हैं, इन्फेक्शन होने लग जाता है बार बार, इरिटेबिलिटी रह जाती है यानी कि आदमी चिड़चिड़ापन आ जाता है, जो सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, और जीभ में स्वेलिंग आ जाती है या दर्द होने लग जाता है। और उसके अलावा जैसे कभी कभी एक ऐसी चीज खाने का मन करता है जो कि नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है, जैसे कि आइस आइस खाने का मन करेगा, डर्ट खाने का मन करेगा, पेंट या फिर कुछ स्टार्च खाने का मन करेगा। इस जो ये जो क्रेविंग होती है इस टाइप की पर्टिकुलर यानी कि अनयूजुअल क्रेविंग, उसको हम पीका भी बोलते हैं। तो इसमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी देखा गया है, ये कम लोगों में होता है हालांकि, लेकिन देखा गया है। ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है इसमें होता है कि आदमी के पैर, वो बैठा रहेगा तो उसको पैर हिलाने की बार बार जरूरत पड़ती है, उसको लगता है कि मैं पैर नहीं हिलाऊंगा तो कुछ मतलब अजीब लगता है उसको, झंझनाहट होने लग जाती है। फिर भी वो आरबीसी की कमी की वजह से ही होता है बॉडी के अंदर। फिर होता है इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं आप? आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, फेरस सल्फेट और आयरन डेक्स्ट्रान आप ले सकते हैं। आयरन सप्लीमेंट जो है वो कभी भी फूड के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चिलेशन हो जाता है और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा ठीक से। तो इसको या तो खाने से 1 घंटा पहले लीजिए या 2 घंटे बाद। नेक्स्ट इसमें एलर्जी आप देख लीजिए कि फेरस सॉल्ट से आपको एलर्जी तो नहीं है, कई लोगों को एलर्जी होती है, उनसे डायरेक्ट नहीं ले सकते तो उनको दूसरी फॉर्मुलेशन से लेनी पड़ती है। आयरन सप्लीमेंट जो है वो कम से कम 3 महीने तक लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी 25% ही अब्जॉर्बेंस होती है, बाकी 75% जो है फीकस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इसको कम से कम 3 महीने लेना पड़ता है आदमी को, तब इसका असर दिखना शुरू होता है, कई बार से ज़्यादा भी लेना पड़ जाता है। आयरन रिच डाइट लेना चाहिए, जैसे कि मीट है, फिश है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, लेग्यूम्स है। लेग्यूम्स आपने अगर बायोलॉजी में पढ़ा हो तो लेग्यूमिनोसी फैमिली का होता है, जैसे पीस बीन्स वगैरह, तो ये खाने से आपको अच्छा आयरन मिल जाएगा और मदद मिलेगी आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से उबरने में। एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, इसमें जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो यूजुअल से हैं, तो लोग इसको कई बार मिस्टेक कर सकते हैं, इनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम जैसे कि इसमें कॉन्स्टिपेशन होना, ब्लैक कलर का स्टूल आना या फिर कंजेशन रहना, ये तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये यूजुअल प्रॉब्लम्स हैं, इनसे कोई आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई आपके आसपास कोई इसका पेशेंट हो तो आप उसको बता सकते हैं कि ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, तो डोंट पैनिक। नेक्स्ट है इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से नाम से पता रहेगा, मेगा मतलब बड़ा और ब्लास्टिक मतलब जो सेल्स होती हैं जो आरबीसीज को बनाती है, 2000 में मेगालोब्लास्ट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये बड़ी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, एबनॉर्मली लार्ज न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स बन जाते, प्रीकर्सर जिनको हम मेगालोब्लास्ट बोलते हैं, वो बनने लग जाते हैं, ज़्यादा बनने लग जाते हैं, बड़े हो जाते हैं बहुत, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और मेगालोब्लास्ट जो होता है वो अनबैलेंस हो जाता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में, क्यों? क्योंकि सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन की ढंग से। बेसिकली अगर आप इसको छोटे से शब्दों में समझें तो ये है कि वाइटामिन B12 या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से 95% केसेस में डीएनए सिंथेसिस खराब हो जाती है या फिर इम्पेयर हो जाती है, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्ट बोन मैरो में एबनॉर्मली लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल बनाते हैं, एबनॉर्मली लार्ज न्यूक्लियर बनाते हैं सेल्स, आरबीसीज बनाते हैं। ठीक, अब डीएनए जो उसके अंदर होता है वो एबनॉर्मली इफेक्ट करता है रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स। जो डीएनए है उसके अंदर वो रैपिडली जो देखिए क्या है ना, कि जब भी सेल प्रोलिफरेट करती है यानी कि डिवाइड करती है, तो डीएनए ही उसको ये डाटा देता है कि आपको प्रोलिफरेट करना है यानी आगे बढ़ना है। अगर सेल के डीएनए में ही एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी तो वो उसमें उसको कंट्रोल खो देगा। तो उसमें क्या होगा कि जो मेगालोब्लास्ट है वो एबनॉर्मली लार्ज सेल को बनाने लग जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें आप देख सकते हैं प्राइमरी स्टेज में आप देख सकते हैं कि जो मेगालोब्लास्ट है उसके आसपास जो आरबीसीज है वो काफी बड़ी तो हो चुकी है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी हो सकती थी वो प्राइमरी स्टेज पे। इसको इसको हम रिवर्स कर सकते हैं या फिर मतलब ठीक हो जाती है इजिली, लेकिन सीवियर केस में आप देख सकते हो कि कितने बड़ी हो गई है सेल, वो ऑलमोस्ट उतनी बड़ी हो गई है जितनी बड़ी डब्ल्यूबीसीज है, और डब्ल्यूबीसीज हमेशा आरबीसी से बड़ी होती है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इधर राइट हैंड हैंड साइड पे सीवियर केस में क्या हो रहा है।
नेक्स्ट इसमें इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में क्या है कि क्या कारण है इसके, कॉजेज क्या है, वो है विटामिन बी12 डिफिशेंसी की वजह से माइलिन में, पेरिफेरल नर्व में और स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में डैमेज हो सकती है। तो विटामिन बी12 लेना बहुत जरूरी है, उससे आपके दोनों काम होते हैं, माइलिन शीथ जो है वो बरकरार रहती है, इंटैक्ट रहती है पेरिफेरल नर्व्स में, स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में, और उसके साथ आरबीसी भी बनती है। फोलेट डेफिशिएंसी से वेट लॉस हो सकता है, नर्वस इंस्टेबिलिटी हो सकती है, और माइलिन की जो डैमेज है वो डाउटफुल है, आज तक ऐसा कुछ बताया नहीं है कि इस वजह से कुछ माइलिन में डैमेज होती है, लेकिन विटामिन बी12 की एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी स्टडी, तो इसकी एटियोलॉजी इस कारण से हो सकता है, यानी कि विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से और फोलेट यानी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो सकता है। इसके अलावा मैक्रोसाइटिक एनीमिया होते हैं, मैक्रोसाइटिक भी यही बात है आपके मेगलोब्लास्टिक की यानी बड़ी सेल्स में, यानी कि लीवर डिजीज की वजह से हो सकता है, मैक्सिडेमा की वजह से हो सकता है। मैक्सिडेमा क्या है? मैक्सिडेमा है बेसिकली सीवियर लेवल का हाइपोथायरॉयडिज्म, ल्यूकीमिया और कुछ हिमोलाइटिक स्टेट्स जिनमें ब्लड जो है ना लॉस होता रहता है बॉडी से लगातार। अब इसमें कोबालेमिन्स आ जाते हैं, कोबालेमिन्स इसके यानी कि जो आपके विटामिन बी12 है ये इसकी कोबालेमिन फैमिली का होता है, ये कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड्स है। इसमें दो तरीके के मेन होता है, साइनोकोबालेमिन और हाइड्रोक्सीकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन में साइनाइड ग्रुप होता है अटैच टू कोबाल्ट, और हाइड्रोक्सीकोबालेमिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है कोबाल्ट से अटैच्ड। और एनीमिया जो होता है वो बी12 की डेफिशिएंसी जो होता है उसके बोलते हैं परनीशियस एनीमिया भी बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं लिखा दिखाई दे परनीशियस एनीमिया तो वो बात कर रहे हैं विटामिन बी12 की वजह से होने वाला मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। इसके सोर्सेज क्या हैं? आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको ले सकते हैं, बना सकते हैं, यानी कि ले नहीं सकते, जैसे वाटर एनिमल के इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है, सोइल में मिल जाएगा आपको, और एनिमल इंटेस्टाइन के ल्यूमेंस में मिल जाएगा, लेकिन एनिमल इंटेस्टाइन के ल्यूमेंस में भी ये एब्जॉर्ब होता है 3-5 माइक्रोग्राम, और उसके अलावा सारा एक्सक्रीट होता रहता है उसके बाद, इसलिए इसको लेना जरूरी है टाइम के साथ साथ, क्योंकि इसमें ये एक्सक्रीट होता रहता है, इसको डेली आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें नॉन वेज फूड के अंदर मिलता है आपको मसल, लीवर, किडनी, ऑयस्टर, फिश, एग योक वगैरह में, वेजिटेबल सोर्स जो मिलता है, जो जाना गया है कि सिर्फ पल्सेस और लेग्यूम्स में ही माना गया कि ये मिलता है, इसके माना गया मतलब देखा गया इसमें ही मिलता है, बाकी इसके अलावा कहीं और ये मिलता नहीं है, तो इसलिए देखा गया है कि जो वेजिटेरियन ग्रुप होता है लोगों का उनमें विटामिन बी12 डेफिशिएंसी देखने को मिलती है काफ़ी, अगर वो खासकर की दाल पीस और बीन्स वगैरह नहीं खाते हैं तो डेयरी मिल्क में ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, नेग्लिजिबल है, तो डेली रिक्वायरमेंट इसकी 1-3 माइक्रोग्राम है, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के थ्रू इसको 3-5 माइक्रोग्राम ही देना चाहिए, ज़्यादा इसकी बढ़ जाती है। इसके अलावा कॉमर्शियल सोर्स है इसका स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस, इससे इसको बनाया जा सकता है विटामिन बी12 को, आपने देखा होगा गवर्नमेंट कहती है या फिर आपने डॉक्टर्स को भी देखा होगा न्यूरोबायोन फोर्ट खाने के लिए बोलते हैं बी12 का मिक्सचर, क्योंकि जो इंडिया के जो लोग हैं 37% के करीब लोग जो है वो प्योर वेजिटेरियन है इंडिया में, जिस वजह से उनके अंदर विटामिन बी12 की कमी देखी जाती है, तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि इसको खाना चाहिए। नेक्स्ट फोलिक एसिड है इसको, इसका दूसरा नाम जो है टेरोइल मोनोग्लूटामिक एसिड भी होता है, तो यह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाएगा आपको, लीवर में, ईस्ट में, किडनी में, एग मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स में, लेकिन कुकिंग के टाइम पे ये हीट के से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसको एक्सटर्नली भी लेना पड़ सकता है कुछ पर्टिकुलर केसेस में, जैसे प्रेगनेंसी के केसेस में और लैक्टेशन के केसेस में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी मिल सकता है। अब सिकल सेल एनीमिया के बारे में जान लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये है आपका बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन है एक तरीके, जिसकी वजह से होता है। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? देखिए पहले जान लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। जेनेटिकली जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, तो जिससे हीमोग्लोबिन क्या मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर और सिंथेसिस एबनॉर्मल हो जाती है। ये जो है ये ग्लोबिन की चेन से जुड़ा हुआ है, ना कि हीम की चेन से, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन में हीम जो है वो है आपका आयरन और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन, तो एबनॉर्मेलिटी ग्लोबिन के ऊपर आएगी ना कि हीम के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं सिकल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को इसलिए बोलते हैं, सिकल का मतलब होता है आपने सिकल देखो कि दराती जो होती है वो जिससे जो
आपके फार्मर्स होते हैं वो काटते हैं फसल अपनी, तो उस शेप की हो जाती है, एक गोल होने की बजाय, जैसे इसकी कॉनकेव शेप होनी चाहिए उसकी, ये उससे ये बदल के सिकल सेल के शेप की हो जाती है। ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, तो सिक्स्थ पोजीशन यानी कि उसके जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसके सिक्स्थ पोजीशन में पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या आप, ये बेसिकली ये सिर्फ एक सिंगल जो आपका बेस पेयर है उसको चेंज होने को पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, यानी कि एक पॉइंट पे हो जाएगा। जैसे मान ले ए टी होगा वहां पे, तो वो चेंज हो गया आपका सी जी बन जाएगा, जिस वजह से ये सिकल सेल एनीमिया होता है। सो सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, इसमें डिफरेंट टाइप की पोजीशंस होती है, वो आपको हम आगे बताएंगे। आगे एक स्पेशल टाइप का जो थैलेसीमिया होता है उसके अंदर है ये डिटेल में। तो सबसे पहली चीज तो जो जो वेलिन रेजिड्यू है वो ग्लूटामिक एसिड के रेजिड्यू के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है, आगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी में आपको आसान साफ साफ दिखेगा वो। इसकी वजह से जो जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है वो बदल जाती हैं, और सिकिल हीमोग्लोबिन की शेप में आ जाता है। ठीक है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी बदलेंगी किसकी वजह से, क्योंकि वेलिन रेजिड्यू जो रिप्लेस हो जाता है ग्लूटामिक एसिड के रेजिड्यू से, क्योंकि जो कि कंपाउंड ही चेंज हो गया तो स्ट्रक्चर तो चेंज होगी ही, है ना। नेक्स्ट है इसमें पैथोफिजियोलॉजी इसकी, जब डिऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन एस मॉलिक्यूल एग्रीगेशन में जाता, पॉलीमराइजेशन में जाता है, तो पहले तो एच बी एस एग्रीगेट होता है उससे, और डिऑक्सीजनेशन उसका होता रहता है। उसके बाद ये एग्रीगेट होते होते निडिल लाइक स्ट्रक्चर में, एग्रीगेट मतलब इकट्ठा होना, डिऑक्सीजनेट होता रहेगा और इकट्ठा होता रहेगा, और सिकिल शेप में आ जाता है एच बी एस मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं सिकिल या फिर लीफ शेप। ओके, अब इसमें आगे हम देखते हैं डिफॉर्म हो जाता है और चेंज होता है सेल मॉर्फोलॉजी में, देखते हैं इसको आगे, आपको ठीक से दिखाई देगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर नोट लिख सकते हैं ऐसे। शुरुआत में तो सिकिल सेल को आप रिवर्सिबल होता है ये, आप इसको थोड़ा इलाज से या फिर थोड़ा खाने पीने का ध्यान देकर ठीक कर सकते हैं, सेल नॉर्मलाइज हो जाती है। अब यानी कि ऑक्सीजनेशन को आप इसको डीऑक्सीजनेशन को रोक के इसको कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजनेशन कर सकते हैं एचबीएस की और डीपोलराइज होने से रोक सकते हैं इसको। तो डीपोलराइजेशन और फिर सेल शेप जो नॉर्मलाइज हो जाती है, लेकिन अगर बार 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 एपिसोड आता ही रहे तो ये सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है परमानेंटली और ये इरिवर्सिबल हो जाता है। यहाँ देखिए आप, ये इसका पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। देखिए ग्लूटामिक एसिड जो है पॉइंट म्यूटेशन हुआ टी ए में, और ये ए टी में बदल गया, यानी कि रिवर्स हो गया, रिवर्स नहीं होना चाहिए था लेकिन रिवर्स हो गया। यहाँ पे अगर रिवर्स हो गया तो पॉइंट म्यूटेशन हुआ। आप इससे इसमें कभी बार ये पूरा एंटायरली चेंज हो जाता है, तो पॉइंट म्यूटेशन ए टी जो है ये बदल गया, और तो ग्लूटामिक एसिड जो एच बी ए था वो वेलिन में एच बी एस में चेंज हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेट होने से एच बी एस सोल्यूशन यहाँ पे एग्रीगेट होना शुरू हो गया यानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, फिर डीऑक्सीजनेट हुआ, डीऑक्सीजनेट होके एच बी एस पॉलीमर्स बनने लग गए। जो पॉलीमर्स हैं पहले तो अगर रिवर्सिबल होगा तो हम उसको मेम्ब्रेन चेंज हो जाएगी और इंक्रीज हो जाएगी इसकी एडहेसिवनेस। अगर टिश्यू इन्फ्लेम्ड है यानी उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है तो ये एग्रीगेट होने से जो हो जाते हैं, और एग्रीगेट होने के बाद इरिवर्सिबल हो जाते हैं। इरिवर्सिबल सेल जो होती है सिकल सेल बन जाती हैं, और ये सेल बाद में क्या करती हैं, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं बॉडी में। जैसे खास करके आपको लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में देखिए आप, इन्फ्रैक्शन कर देता है। इन्फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो ये है ये आप देखें, नॉर्मल जो जो आपकी जो नॉर्मल सेल्स हैं वो तो आसानी से जा रही है कैपिलरीज में, लेकिन जो सिकिल सेल है ये क्योंकि ये गोल नहीं है और ज़्यादा गोल ना होने की वजह से इनकी स्ट्रक्चर जो है आपस में एग्रीगेट यानी इकट्ठा होने लग जाती है एक के पीछे एक, जिससे ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इस्कीमिक डिजीज हो सकती हैं, या फिर ऑक्सीजन की डिफिशेंसी वाली डिजीज हो सकती हैं, या इवन नेक्रोसिस वगैरह भी हो सकता है। इन्फ्लामेशन तो बहुत कॉमन सी चीज है। तो लंग्स में देखिए, लंग्स में ये प्रॉब्लम जो राइट में जो दिखा रखी है ये बोन मैरो का है, और ये इधर लंग्स का दिखा रखा है। लंग्स में भी सेम सिमिलर प्रॉब्लम है, यानी कि जो जो आपकी कॉनकेव शेप जो कॉन्वेक्स शेप की जो जो आपकी यानी कि नॉर्मल आरबीसीज हैं वो तो इजीली पास थ्रू हो जाती है, लेकिन बाकी सेल अडेयर कर जाएंगी उसके साथ में,
और माइक्रोवैस्कुलर अकल्शन बाय सिकल सेल्स, अकल्शन मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। तो हम एक बार और फिर से देख लेते हैं। ग्लूटामिक एसिड एच बी ए विल चेंज इन टू वैलिन एंड वैलिन विल एच बी एस, ये ऑक्सीजनेट होगा, और अगर ये ऑक्सीजनेट होगा तो ये अनॉर्मल सेल बनाएगा, अगर ये डी ऑक्सीजनेट होगा तो ये बनाएगा आपका इरिवर्सिबल सिकल्ड सेल। ओके, अगर अगर ये आपने इसको ऑक्सीजनेट करा दिया बीच में किसी मेथड से, तो इसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, यानी रिवर्सिबल है, इसके वापस से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं करा पाए दोबारा से, तो ये डीऑक्सीजनेट होगा, इरिवर्सिबल बन जाएगा। ओके, तो एच बी एस पॉलीमर की वजह से होता है ये, एच बी ए इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ओके, इसके सिम्टम्स क्या क्या है? जॉइंटिस है, बैक पेन हो सकता है, आर्म एंड लेग में पेन हो सकता है, फुट में स्वेलिंग हो सकती है, जॉइंट पेन रहेगा, हैंड स्वेलिंग हो जाएगी, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, फटीग वगैरह, ये जो इसके सिम्टम्स हैं बहुत इजीली आपको इसमें दिखाएंगे। क्लिनिकल फीचर देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये गोल्स हैं, ये तो नॉर्मल सेल्स हैं, और बाकी जो आपको सिकल सेल्स दिखाई दे रही होंगी लीफ टाइप की, दीज आर सिकल सेल्स। तो आप इसको देख के पता लगा सकते हैं कैसे एग्रीगेट करते होंगे, तो एग्रीगेट यानी इकट्ठा कैसे हो जाएंगे एक दूसरे के पीछे। ये वैसे ही है जैसे आप ये गेंद को बहुत इजीली एक पाइप से निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे रेशों को नहीं, रेशों जो है वो अटक जाते हैं एक दूसरे के पीछे, लेकिन बॉल्स नहीं अटकती है, ये वैसा ही है, ठीक है, इसको वैसे ही समझ के चले। इसमें देखिए क्रोनिक हिमोलाइसिस एनीमिया हो सकता है इसकी वजह से, इस्कीमिक टिश्यू डैमेज हो सकता है क्योंकि अकल्सन हो जाता है स्मॉल ब्लड वेसल्स में, आरबीसीज का जो सिकल सेल्ड है, हाइपर बिलिरुबिनिया हो सकता है, यानी कि बिलिरुबिन जो है वो ज़्यादा बनेगा ऑब्वियसली क्योंकि आरबीसी के डैमेज होने से ही बनता है वो। अब इम्पेयर्ड ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट अगर बचपन में किसी को हो गया है तो इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो जाएंगे, खास करके एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि निमोनिया उनका बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट है। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि फोलिक एसिड को पेनिसिलिन के साथ दिया जाता है क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनके, इसलिए फोलिक एसिड देना चाहिए पेनिसिलिन के साथ। मलेरिया का प्रिवेंट करना चाहिए। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे, कि जहाँ पर भी दुनिया में मलेरिया देखा गया उनके ही अंदर देखा गया है कि सिकल सेल एनीमिया होता है। तो डेवलप्ड कंट्री में सिकल सेल एनीमिया बहुत कम मिलता है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज या फिर बैकवर्ड कंट्रीज हैं उनमें ज़्यादा मिलेगा आपको सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ओवरलैप करता है मलेरिया के साथ। जिन लोगों के अंदर मलेरिया हो बहुत ज़्यादा हुआ था, तो उन्हीं की जनरेशन में देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया, पॉइंट म्यूटेशन उन्हीं के अंदर होता है, एंड इट इज़ रिवर्सिबल अप टू सम एक्सटेंट। तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, अगर ऑक्सीजनेशन करना पड़ेगा बस, इसके अलावा लेकिन उसको ऑक्सीजनेशन करना इतना आसान नहीं होता। तो अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं उसको कंट्रोल में रखने के लिए। हाइड्रोक्सी यूरिया एक कंपाउंड होता है वो दिया जा सकता है, ये एक कीमोथेरेपेटिक एजेंट है, इसे दिया जा सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है अगर किसी को बहुत सीवियर लेवल पे है तो। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो थैलेसीमिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है वीडियो, और टॉपिक जो है काफ़ी सारे बचे हुए हैं, हम इसको रैपिडली करेंगे चेंज, और थैलेसीमिया इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। थैलेसीमिया है और जेनेटिकली डिजीज है, तो ये सब जेनेटिक डिजीजेज हैं जो हीमोलिटिक से आपके हेमाटोलॉजिकल डिजीज से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो एज यूजुअल आप उसको पोस्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।